अभी तक हम सब ने क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का वेरियस पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर क्या था, राइट ऑफ द वे एंड रोड मार्जिन, विड्थ ऑफ द रोड वे एंड कैरेज वे, कर्व एंड मीडियन, कैम्बर, और कैम्बर तक हम पढ़ चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे ये वाला पोर्शन को, पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को। चलिए शुरू करते हैं। पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर ई, पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कुछ चीज़ को हम बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो फाइव पहले है फ्रिक्शन, पेवमेंट का जो फ्रिक्शन है उसके ऊपर। नंबर टू हम डिस्कस करेंगे अनइवननेस, और नंबर थ्री लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और नंबर फोर ड्रेनेज, ड्रेनेज के बारे में। देखिए फ्रिक्शन के अंदर दो चीज हमको याद रखना होगा जो कि पेवमेंट की फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या है, एक तो है एक है स्किडिंग। स्किडिंग कब होते हैं, अगर पेवमेंट के ऊपर स्किड कब करते हैं, व्हीकल स्किड तभी होते हैं जब नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील इज लेस देन लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट, स्लिपिंग। ठीक है, स्लिपिंग कित क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील इज ग्रेटर देन लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट। सॉरी ये गलती से लिख दिया हमने, MOVEMENT मूवमेंट। मान लीजिए ये एक व्हील है, इसका डायमीटर है, इसका जो रेडियस है वो है आर, तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ, 2πr। अगर ये व्हील 3 times रिवॉल्व मतलब रोटेट करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना जाना हो, इसको जाना होगा ये रोड के ऊपर, वो है 3 × 2πr। अभी क्वेश्चन ये है, अगर नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील दैट इज 3, ये अगर लेस देन लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट होगा मतलब 3 × 2πr होगा तो इसे कहते हैं स्किडिंग। ठीक है, अगर 3 अगर ग्रेटर देन 3 × 2πr होगा मतलब 3 है नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील और ये है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट, तब इसे कहते हैं स्लिपिंग। अब चले जाते हैं अनइवननेस की तरफ। नंबर टू अनइवननेस, देखिए अनइवननेस को हम एक टर्म के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, अनइवननेस। उस टर्म को मतलब एक पेवमेंट कितना अनइवन है, उसके ऊपर कितना गड्ढे वगैरह ये सब है, वो डिपेंड करेगा इस टर्म के साथ। जो टर्म के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं बम्प इंडिकेटर, बम्प इंटीग्रेटर, जिसका वैल्यू होता है 630 IRI to the power 1.12। अब ये IRI क्या है, ये IRI है इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स।
ठीक है। और इसका जो बम्प इंडिकेटर का जो वैल्यू है ये है सेंटीमीटर पर किलोमीटर, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कितने सेंटीमीटर गड्ढा है पर किलोमीटर में, उसका अनइवननेस कितना है पर किलोमीटर में, और जितना अनइवननेस है वो सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए सेंटीमीटर पर किलोमीटर। ठीक है। और एक चीज़ है, फॉर गुड पेमेंट, ये फॉर गुड पेमेंट, फॉर गुड पेमेंट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ जो है लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए आप देख ही चुके हो कि किसी भी हाईवे के अंदर जब ब्लैक टॉप पेवमेंट होते हैं उसके अंदर हम व्हाइट मार्किंग कर देते हैं, पर हम व्हाइट पेवमेंट क्यों नहीं बनाते? अगर व्हाइट पेवमेंट हम बनाते तो उसके ऊपर दिन दिन सनलाइट अगर उसके ऊपर पड़ता है तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ग्लैरिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, आई स्ट्रेन ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से हम व्हाइट पेवमेंट नहीं करते। और एक बात अगर कॉन्ट्राडिक्ट करे तो रात में अगर व्हाइट पेवमेंट होगा तो वो दिखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, तब वो ज़्यादा दिखेगा कंपेरेटिवली व्हाइट पेवमेंट, ब्लैक टॉप पेवमेंट। ब्लैक टॉप पेवमेंट मीन्स बिटुमिनस पेवमेंट, और व्हाइट पेवमेंट मीन्स यहाँ पर आप कंसिडर करिए कि एक वो जो सीमेंट कंक्रीट जो पेवमेंट है उसको आप व्हाइट पेवमेंट मान लीजिए। तो इसी वजह से हम ये दोनों इफेक्ट को अगर कम करना चाहते हैं तो मतलब आप सोच लीजिए, दिन में भी हमारा आई में स्ट्रेन नहीं आएगा, आई स्ट्रेन नहीं होगा गाड़ी चलाने के समय में, और रात में भी अच्छी तरह से हम देख देख भी पाएंगे। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जनरली व्हाइट मार्किंग के साथ ब्लैक टॉप पेमेंट करते हैं जनरली। तो इससे क्या होता है, रात के अंधेरे में भी आपको पता चलेगा कि मेरा लेन कहाँ तक है, और दिन के सनलाइट के अंदर भी आपको ज़्यादा आई स्ट्रेन नहीं होगा क्योंकि आपने ब्लैक टॉप पेवमेंट यूज़ किया। ठीक है, ए व्हाइट बॉर्डर मान लीजिए, ये दो लेन को डिवाइड करने के लिए, मान लीजिए ये लेन में गाड़ी इस तरफ जा रहा है और ये लेन में गाड़ी इस तरफ जा रहा है, तो दोनों ही समय में आपको आई स्ट्रेन भी नहीं होगा और आपका चैनल भी सही तरह से दिखने के लायक रहेगा, ब्लैक पेमेंट। ये है हमारा कॉन्सेप्ट लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। अगर इन शॉर्ट में बताए तो फॉर आवर कन्वेनियंस वी जनरली प्रोवाइड ब्लैक टॉप पेमेंट विथ व्हाइट बॉर्डर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अंत में ड्रेनेज, देखिए किसी भी पेवमेंट को अगर ज़्यादा दिन तक सस्टेन करना है तो उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम ड्रेनेज क्या है, आपने जो एक पेवमेंट के ऊपर कैम्बर के बारे में अभी हमने जान चुका है, अब हम सब कैम्बर के बारे में जानते हैं, कैम्बर इज एक्स क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड फॉर द एफिशिएंट ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर। सो एटलीस्ट आपको कैम्बर तो प्रोवाइड करना ही चाहिए किसी भी पेवमेंट के अंदर फॉर एफिशिएंट रिमूवल ऑफ योर रेन वाटर। ठीक है, तो फॉर ड्रेनेज पर्पोजेस, ड्रेनेज वी शुड एट लीस्ट यूज कैम्बर
कैम्बर्ड इन ए पेवमेंट, आपको यूज करना ही है फॉर। अच्छा किस लिए हम करते हैं ये, फॉर लॉन्ग टर्म फॉर ड्रेनेज पर्पज वी शुड एटलीस्ट यूज कैम्बर्ड इन ए पेवमेंट फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पेवमेंट। जितना भी पढ़ा हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम चार चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्या है, एक है फ्रिक्शन, दो अनइवननेस, तीन लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ड्रेनेज। बहुत ही आसान है। फ्रिक्शन के अंदर एक चीज हम ख्याल रखेंगे वो है स्किडिंग, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील इज लेस देन लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट, ठीक है। और स्लीपिंग का मतलब है नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील इज ग्रेटर देन लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट। ये क्या चीज़ है, मान लीजिए ये एक व्हील है, इसका डायमीटर है, इसका जो रेडियस है वो है आर, तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ, 2πr। अगर ये व्हील 3 times रिवॉल्व मतलब रोटेट करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना जाना इसको जाना होगा ये रोड के ऊपर, वो है 3 × 2πr। अभी क्वेश्चन ये है, अगर नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील दैट इज 3, ये अगर लेस देन लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट होगा मतलब 3 × 2πr होगा, तो इसे कहते हैं स्किडिंग, ठीक है। अगर 3 अगर ग्रेटर देन 3 × 2πr होगा मतलब 3 है नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील और ये है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट, तब इसे कहते हैं स्लिपिंग, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पर बताया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है अनइवननेस इंडेक्स, बम्प इंडिकेटर, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं अनइवननेस को, 630 IRI to the power 1.12, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सेंटीमीटर पर किलोमीटर से। IRI क्या है, इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स, ये आपको टेबल में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन के अंदर, उसी से हमको पुट करना होगा, ठीक है। और फॉर गुड पेवमेंट हमको याद रखना है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टर्स के अंदर क्या है, देखिए ये एक पेवमेंट है, हम जनरली ब्लैक टॉप पेवमेंट, ये मान लीजिए ये ब्लैक टॉप पेवमेंट है एक, और उसके एकदम बीच में से हम व्हाइट बॉर्डर देते चले जाते हैं, इससे क्या होता है जब हम डे लाइट के अंदर कोई व्हीकल इस रोड से मूव करते हैं उसको आई स्ट्रेन मतलब ड्राइवर को आई स्ट्रेन ज़्यादा नहीं होता, और वो आई स्ट्रेन भी ज़्यादा नहीं होता, और वो यहाँ पे व्हाइट बॉर्डर दिया हुआ रहता है, इसी वजह से वो अपना लेन को भी सही मेंटेन कर पाते हैं। इसी तरह रात के अंधेरे में भी उसको प्रॉब्लम नहीं होता, ये जो व्हाइट बॉर्डर है वो लेन को गाइड करते हैं और दिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इसी वजह से हमने फॉर आवर कन्वीनियंस वी जनरली प्रोवाइड ब्लैक टॉप पेवमेंट विथ व्हाइट बॉर्डर, ओके। ड्रेनेज क्या है, आपका किसी भी पेवमेंट का अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रखना पड़ेगा, ड्यूरेबिलिटी अगर लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो तो आपको ड्रेनेज तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट कैम्बर तो प्रोवाइड करना ही होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।